हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जिसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और छोटी सी वीडियो में आपको बायोकेमिस्ट्री का फुल सिलेबस समझा देंगे। आपको हम बताएंगे कि आपको डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम अपने चैनल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसका चार्ज है 199 रुपीज़, जिसमें अगर आप ऐड होते हैं तो आपको टोटल जितना हम पढ़ाएंगे उसमें आपको ग्रुप में आपको टोटल PDF प्रोवाइड हो जाएंगी, और जितना भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, मल्टीपल चॉइस वाली वीडियो जितनी भी होंगी और उनकी PDF जितनी होगी, सब आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको मेरी PDF ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड हो जाइए। तो हम इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस को बहुत जल्दी ही हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री में जो आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, यानी पहला चैप्टर जो होता है वह इंट्रोडक्शन का होता है, और पहला चैप्टर ज़रूर पढ़ना चाहिए, वह इम्पॉर्टेंट होता है, आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। उसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो आपका पहला चैप्टर होता है, तो इसमें आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री के स्कोप के बारे में आपको पढ़ना है, और सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और जो सेल के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको यानी छोटा सा पढ़ लेना है, यानी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, तो चैप्टर फर्स्ट को आप कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, और उसमें जो होते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट और बायोकेमिकल जो आपके कार्बोहाइड्रेट के रोल्स होते हैं उनके बारे में आप चैप्टर नंबर सेकेंड में पढ़ेंगे, और हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे भी और आपको समझाएंगे भी दोस्तों। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर थर्ड, आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आता है प्रोटीन। चैप्टर नंबर थर्ड में आप प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें वही आप पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है प्रोटीन की, और प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, और उसके बाद जो अमीनो एसिड होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, और उसके बाद दोस्तों इसमें कई टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के लिए जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, और बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, और अमीनो एसिड के बायोलॉजिकल रोल आपको पढ़ने हैं, और डिसीज़ रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन होती है उसकी कमी से कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं, इस वाले चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है। दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा सिलेबस बता रहे हैं, यानी ज़्यादा विस्तार में आपके लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपके लिए हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या-क्या पढ़ना है। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है सिलेबस की, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर फोर में पढ़ना है लिपिड वाला चैप्टर। लिपिड वाले में भी आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, ट्राइग्लिसराइड के बारे में पढ़ना है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको पढ़ना है, और उसके बाद जो क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शन ऑफ लिपिड, यानी जो लिपिड होता है उसके क्वालिटेटिव टेस्ट और लिपिड के फंक्शन के बारे में आप चैप्टर नंबर फोर में पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर फाइव आपका आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आप पढ़ेंगे, आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, और DNA के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, RNA के स्ट्रक्चर को आप चैप्टर नंबर फिफ्थ में कंप्लीट कर देंगे। फिर चैप्टर नंबर आपका आता है सिक्स,
चैप्टर नंबर 6 में आप एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, तो उन फैक्टर्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में आप विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, आपकी जितनी भी वाटर सोल्युबल विटामिन होती हैं और जो आपकी फैट सोल्युबल विटामिन होती हैं उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है मेटाबॉलिज्म, चैप्टर नंबर 8, इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो चैप्टर है आपका इम्पॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड और मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, और इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत भी हमने अपने चैनल पर कर दी है और हम आपको प्रॉपर वीडियो इसकी देंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 है आपका मिनरल्स वाला, मिनरल्स में भी आप डेफिनेशन और उसके फंक्शन पढ़ेंगे, मिनरल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 10 आपका है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही सरल चैप्टर है और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से भी पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 11 आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है और शॉर्ट चैप्टर है आपका, आपका चैप्टर बहुत आसान है बायोटेक्नोलॉजी वाला, आपका एक लेक्चर इसमें बताया गया है PCI के अनुसार, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझा देंगे। चैप्टर नंबर 12 और 13 आता है आपका ऑर्गन फंक्शन टेस्ट और इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, तो ये आपके चैप्टर नंबर 12 और 13, इन चैप्टर्स को भी बहुत आसान भाषा में आपके लिए लेकर आएंगे। और दोस्तों, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आपकी बायोकेमिस्ट्री जितनी भी है टोटल हिंदी इंग्लिश मिक्स वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उनसे आप नोट्स तैयार कर लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। और उसके बाद दोस्तों, जो आपको अगर ज़रूरत होती है वीडियो, आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिए, हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो आपके जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें 13 चैप्टर हैं, तो 13 चैप्टर में से आपको टोटल यानी प्रत्येक चैप्टर का आपका यानी आंसर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना है और जो आपके जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक हैं तो उनको सबको आपको पढ़कर साथ लेकर चलना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।